माना सबका कसूर था, लेकिन मेरा क्या कसूर है नूर अम्मी? इन सब बड़ों की गलतियों में मुझे क्यों सजा दे रही है? मेरी तो कोई वैल्यू नहीं ना आपकी जिंदगी में। अब तो आपका सब कुछ मुस्तफा है। ये तो आपने सोचा ही नहीं कि मैंने भी आपकी गोद में आंखें खोली हैं, कि मेरा भी दिन आप ही से शुरू होता है। अब आप मेरी नूर अम्मी तो रही नहीं ना। मैं तुम्हारी नूर अम्मी हूं रामिस। तो फिर आप कहीं नहीं जाएंगी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। मम्मी बहुत परेशान है, गम की जिस खाई में मैंने उन्हें धकेल दिया है, शायद वहां से उन्हें मुस्तफा की चीखें भी सुनाई ना दे। पता नहीं क्यों, चाहे जो भी कर लूं, किसी ना किसी तरह नूर अम्मी की तकलीफ की वजह मैं ही बनती हूँ। कैसी बातें कर रही हो तुम? अपना सब कुछ कुर्बान करने के बाद भी क्या दिया मैंने नूर अम्मी को सिवाय इस तकलीफ के? मैंने हजार बार सोचा है, पर मैं समझ नहीं पा रही हूं कि मैं कहां गलत थी। नूर अम्मी को ये महसूस क्यों नहीं हो रहा? वो ये क्यों भूल गई है कि मैं उनकी आफरीन हूं? ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि मैंने उन्हें धोखा दिया? आफरीन, जब इंसान टूटता है ना तो दुरुस्त और गलत की सलाहियत खत्म हो जाती है, लेकिन जब वक्त के साथ साथ जख्म भरते हैं तब उसे सब साफ साफ दिखने लगता है। सब बस, मैं अब टूटती जा रही हूं, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। आफरीन, मैं तुम्हें बिखरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? एक तुम ही तो हो जो मेरे जीने की वजह है, वरना जिंदगी की तमन्ना तो कब की खत्म हो चुकी थी मुझमें। तब तुम्हें जीने की मुझसे भी बड़ी वजह मिल गई आफरीन, हमारा बच्चा। अब तुम खुद को समेटोगी और लड़ोगी, चाहे जितनी भी टूट जाओ। तुम देखना, हम इस सब से गुजर जाएंगे और बहुत जल्द हमारा बच्चा मुस्तफा हमारे साथ हो, आई प्रॉमिस। चलो अब तो कुछ खा लो।